कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरुआत करने वाले जीतन राम मांझी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं। आइए आज आपको इतिहास बताते हैं जीतन राम मांझी का, किस पार्टी से कैसे उन्होंने कब शुरुआत करी, जीतन राम मांझी कैसे आगे बढ़े, कैसे पार्टियों को बदलते रहे, गठबंधन इधर से उधर करते रहे, कैसे जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, राज्य की सरकारों में मंत्री भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े, और उसके बाद जीतन राम मांझी न जाने कितने दरवाजे पर ताक झांक कर चुके हैं और उसके बाद आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के द्वार पर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को नीतीश कुमार ने स्वीकार भी कर लिया। तो आज आप बताते हैं कि जीतन राम मांझी कैसे हर दल तक लगभग जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो डायरेक्ट तो नहीं गए हैं लेकिन गठबंधन में बीजेपी के साथ रह चुके हैं। खैर, बात करें जीतन राम मांझी की तो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हर नाव पर सवार हो चुके हैं मांझी और मांझी हर नाव का आनंद ले चुके हैं। यूं तो 1980 में जीतन राम मांझी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, 1980, जिस दौर में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। इंदिरा गांधी का ज़माना था, इंदिरा गांधी अनुसूचित जाति वर्ग पर बड़ा ध्यान रखा करती थी। 1980 में ही जीतन राम मांझी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं कांग्रेस की ही सरकार में। उसके बाद 1985 का विधानसभा चुनाव भी मांझी कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं, 1985 का चुनाव भी वो जीत जाते हैं दोबारा कांग्रेस से। फिर दौर आता है 90 का, 90 में देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी, बिहार में भी चल रही थी। जीतन राम मांझी 90 का चुनाव हार जाते हैं, फिर उसके बाद वो जनता दल में शामिल हो जाते हैं 1990 में ही चुनाव हारने के बाद। 1996 में जनता दल का विघटन होता है, जनता दल में टूट हो जाती है। जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाते हैं। मांझी आरजेडी में चले जाते हैं, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, विधायक बनते हैं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। फिर एक दौर आता है जब आरजेडी का वक्त भी ख़त्म होता है, आरजेडी का वक्त भी ख़राब होता है। 2005 में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ चले जाते हैं, जी हाँ, जेडीयू के साथ। 2008 में वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की जगह पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की करारी हार होती है, इसकी नैतिक जिम्मेवारी नीतीश लेते हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं, मांझी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं। लेकिन मांझी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते सहज नहीं रह पाते हैं। 2015 आते आते नीतीश कुमार और मांझी के रिश्ते बिगड़ते हैं। नीतीश कुमार मांझी को मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर बैठाते हैं उससे हटाने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। मांझी नीतीश से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और 2015 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं 2015 में। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी आरजेडी और कांग्रेस के यूपीए गठबंधन के साथ लड़ने चल देते हैं। फिर 2020 में वो जदयू भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन का चुनाव लड़ने चले आते हैं। 2022 में जब राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है जेडीयू के साथ बिहार में, माले के साथ, लेफ्ट पार्टियों के साथ, तो मांझी फिर इधर रह जाते हैं। और आज 2023 है, मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया, सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया, लगभग एनडीए में जाना उनका तय है। बयान वो देते रहे अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने की कुवत बिहार में सिर्फ दो ही दलों के पास है, एक आरजेडी, एक बीजेपी। बाकी बिहार में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ ले और लड़ भी ले तो उनको कुछ हासिल हो जाए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता हाल के कुछ वर्षों तक। बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? जीतन राम मांझी की राजनीति पर क्या सोचते हैं? बीजेपी में जाएंगे जीतन राम मांझी? कह तो नहीं रहे ऐसा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।